दोस्तों अहमदाबाद या जुम्मे आप लोगों का स्वागत है मैं आया हुआ हूँ दोस्तों गांधीनगर से बालवा गांव करके है ये गांधीनगर के पास है महुड़ी के रास्ते पे है जब आप स्वप्न सृष्टि वाटर पार्क जाएंगे उससे छः महीने छः किलोमीटर पहले तो हसमुख भाई अभी यू में है और उनके यहाँ पपीज आए हुए हैं तो वो देखने के लिए मैं आया था यहाँ पर एक पीछे मंदिर है और बहुत छोटा सा प्यारा सा एक इनका घर है और पीछे बाड़े में भैंस वगैरह रखी हुई है उसको आखिर में हम देखते हैं तो पहले क्वालिटी वाले पपीज देखेंगे उसकी मदर देखेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे देखिए स्कूटर लेकर आ जाया हूँ मैं आज सोचा कि कुछ अलग एडवेंचर करते तो यहाँ पर हसमुख भाई के हसमुख भाई नाम है अभी वो यूएसए में है लेकिन उनके पास बहुत सारे डॉग्स हैं जिनके जर्मन सेफर्ड के पपीज हम देखेंगे यहाँ मंदिर भी उन्होंने अपने प्रांगण में बनाया हुआ है यहाँ पर इनके डॉग्स हम देख लेंगे थोड़ा इंतजार करिए और बहुत खूबसूरत सा छोटा सा मकान बनाया है तो ये बालवा गांव में ही कहा जाता है बालवा गांव आगे है लेकिन आप उससे पहले यहां पर थोड़ा मुड़ जाना है आपको मेन रोड से थोड़ा सा 200 मीटर ही अंदर आना है तो यहां पर आपको ये फार्म दिख जाएगा ये घर देख लीजिए ठीक है तो ये इनका ही घर है जब यूएसए से यहाँ आते हैं तो वो रुकते हैं तो चलिए अब हम पपीज देखेंगे और पपीज के बारे में हम बात करेंगे चलिए दोस्तों डॉग्स देखने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा खेत वगैरह दिखा देता हूँ यहाँ पर इनकी जो है वो बफेलोस भी रखी हुई है तो काका बफेलोस से मिल्क निकाला जाता है दूध काटे दूध दूध काटे जे हमने तो बच्चे है। भी हैं यहाँ पर ये देखेंगे और दोस्तों जीतू भाई को आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ विजिट करना चाहते हैं और ये पप्पी या रिलेटेड आपको कोई रहेगी तो मैं नंबर आपको बता देता हूँ जीतू भाई के सेवन नाइन एट फोर सेवन फाइव टू एट डबल सिक्स तो देखिए यहाँ पे बफेलो के छोटे छोटे से बच्ची भी हैं वो भी देखते हैं ठीक है ठीके? और फिर हम हमारे पपीज पे चले जाएंगे जो आपने प्रोमोज में देखे हैं जर्मन सेफर्ड प्योर क्वालिटी में इसके दादा जो हैं वो पपी के वो चैंपियन रह चुके हैं और उसका बेटा जो है उनके पास है माँ बाप भी देखने को मिलेंगे और पपीज भी आप ले सकते हैं तो ये क्वालिटी के पपीज दोस्तों आपको बहुत हेवी डिस्काउंट में पचास टका डिस्काउंट में ऑलमोस्ट मिलने वाले हैं ऐसे पपीज जो है वो पैंतीस चालीस हजार में मिलते हैं वो बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को मिलने वाले हैं दोस्तों अंदर में दिखा देता हूँ आप लोगों को अभी मदर को भी हम बाहर निकालेंगे ताकि आप उसकी क्वालिटी देख सकते हैं लॉन्ग कोट में फीमेल भी है अभी देखिए यहाँ पर पप्पीज है हर पपी को मैं निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगा ठीक है और मुझे बताया था इन्होंने लगभग कितने तीन मेल है और पांच फीमेल इनके पास अवेलेबल है ठीक है अब इसकी मदर भी मैं दिखाता हूँ आपको क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसका बाप का फोटो जो है मैं आपको स्क्रीन पे लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि इनका बाप कैसा चैंपियन और कैसे कलर में है जो मेटिंग जिससे करवाई है और माँ बाप दोनों ही के सी है, रजिस्टर्ड हैं दोस्तों ठीक है तो पप्पी को भी आप जो है के रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं बिकॉज माँ बाप दोनों ही के रजिस्टर है तो प्योरिटी के लिए कोई टेंशन नहीं है अंकल से मैंने रिक्वेस्ट किया अंकल जो है वो पप्पी को बाहर निकालेंगे और माँ को भी बाहर निकालेंगे ताकि आपको प्योरिटी की पता चले क्वालिटी की पता चले ठीक है नंबर मैंने जो जीतू भाई के दिया आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं तो अब दोस्तों देखिए खूबसूरती बहुत ही अच्छी है माँ बाप दोनों ही के सी आई है, रजिस्टर्ड हैं और एक और फीमेल अवेलेबल है और ये पेरेंट स्ट्रोक बच्चे हैं पेरेंट स्ट्रोक किसको कहा जाता है दोस्तों पेरेंट स्ट्रोक मिलना बड़ी ही मुश्किल चीज़ है पेरेंट स्ट्रोक उसको कहा जाता है कि जो अपनी माँ के पहले बच्चे होते हैं जनरली जो ब्रीडर होते हैं दोस्तों वो अपनी माँ के पहले बच्चे रख लेते हैं क्योंकि आप अपनों में इंसानों में भी कहा जाता है ना कि जो पहला बच्चा होता है उसमें माँ बाप के जो है सारे गुण आ जाते हैं तो ये देखिए पेरेंट स्ट्रोक बच्चे आपको मिल रहे हैं मतलब के माँ के पहले बच्चे अब दू, दूसरी बार से वो पेरेंट स्ट्रोक नहीं कहा जाएगा ठीक है तो ये पेरेंट स्ट्रोक बहुत मजबूत बच्चे होते हैं मेल आपको दोस्तों फिफ्टीन थाउजेंड पंद्रह हजार रुपये में मिल जाएगा और फीमेल जो है वो आपको फोर्टीन थाउजेंड चौदह हजार रुपये में मिल जाएगी प्लस पेट गुरु का नाम लेंगे तो हसमुख भाई या पप्पू भाई का जिन, जिनका नंबर मैंने दिया है आपको ठीक है वो जो है आपको प्राइस थोड़ा कम कर देंगे अभी ये सारे पपीज़ आप देख सकते हैं ये अराउंड अभी थर्टी एट डेज़ के हुए हैं फोर्टी फाइव डेज़ के होने ही वाले हैं और फिफ्टी किलोमीटर तक दोस्तों डिलीवरी जो है आप लोगों को फ्री में करवा दी जाएगी बट आई आई वुड सजेस्ट के आप लोग जो हैं पर्सनल विजिट करिए इनकी क्वालिटीज़ देखिए और पपी आप ले जाइए दोस्तों यहाँ पर जो पहला आएगा उसको सबसे पहला बच्चा जल्दी से मिल जाएगा क्योंकि इन्होंने प्राइस पंद्रह हजार रुपये रखी है और चौदह हजार रुपये रखी है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी प्राइस है जनरली के सी आई रजिस्टर पपी जिसके माँ बाप की ब्लड लाइन जो है वो चैम्पियन होती है तो पपी का प्राइस जो है वो फोर्टी थाउजेंड थर्टी फाइव थाउजेंड कल ही मैं रिसर्च कर रहा था यहाँ आने से पहले फोर्टी फाइव फिफ्टी थाउजेंड तक के बच्चे मिलते हैं मतलब ये आपको लगभग 60 70 परसेंट डिस्काउंट पे मिल रहे हैं अब चलिए एक आध दो पपी को हेल्दी पपी को हम उठाते हैं और नजदीक से उसको देखते हैं उठाने से पहले बाप की आप क्वालिटी अभी वीडियो में कर आपको आगे कि माँ की क्वालिटी कैसी है तो आप लोगों को थोड़ा आईडिया, ज्यादा आइडिया आएगा ठीक है दोस्तों बचपन में इनकी पोजिशन को पता करनी है ये तो जैसे कि पता ही है कि प्योर क्वालिटी में है तो पता करने के लिए पीछे के पैरों से पता चलता है कि पीछे के जो हैं वो कैसे हैं इनके कलर जो है वो चेस्ट पे दूसरा ब्लैक कलर ने कहा ऊपर ही इसका कोट जो है वो कलर होगा ब्लैक कोट होगा और चेस्ट पे जो टेन कोट होगा ठीक है तो ये देखिए चलिए वो बड़ा मोटा वाला जो है उसको उठाकर देखते हैं ये दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत ये मेल है ठीक है इसकी क्वालिटी आप देखिए और ऐसी क्वालिटी जनरली आप लोगों को नहीं मिलती तो हसमुख भाई जो है अभी तो हैं यूएसए में लेकिन उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया बोले अज्जू भाई आप जाइए और अच्छा वीडियो बनाकर दर्शकों को दिखाइए कि ऐसी क्वालिटी आपके लिए मिल रही है तो इसमें ना सिर्फ हसमुख भाई का दोस्तों फायदा है कि वहां से इनका काम हो रहा है लेकिन आपको बहुत अच्छे पपीज अच्छे दामों में मिल रहे हैं दोस्तों मैं कान दिखाना चाहूंगा आप लोगों को हमेशा जर्मन सेपट के जो कान है ना वो इसी तरीके से बच्चे होते तो रहते हैं उसके बाद ये उठते हैं देखो मैं दिखाता हूं ये जो है ऐसे हो जाएंगे फिर खड़े बिल्कुल खड़े हो जाएंगे वी नोक की तरह खड़े हो जाएंगे बचपन में ये झुके हुए ही होते हैं और कोट भी इनका लॉन्ग कोट है इसके फादर की क्वालिटी इसके फादर की क्वालिटी दोस्तों आप देख सकते हैं लॉन्ग कोट में ये बच्चे होने वाले हैं मतलब कि ट्रिपल कोट कहते हैं कुछ लोग कुछ लोग लॉन्ग कोट कहते हैं तो ये बच्चा पैंतीस चालीस हजार से नीचे नहीं मिलता है दूसरा बच्चा उठाते हैं चलिए अब ये दूसरा बच्चा है दूसरा भी मेल है मेल की क्वालिटी देख लीजिए दोस्तों हेवी बोन में है और बिल्कुल प्योर क्वालिटी आप चेस्ट का कलर देखिए है तो ये प्योर क्वालिटी के जर्मन सेफर्ड है जर्मन सेफर्ड ब्रीड जैसे कि जर्मनी से आई है दोस्तों इसको जो है काफ़ी मिलिट्री के अंदर भी दोस्तों इंक्लूड किया गया है तो ये एक अच्छा फैमिली डॉग होने के साथ साथ एक गार्ड डॉग भी है और अगर आप थ्री बी के अपार्टमेंट से लेकर बंगलोज में रहते हैं तो जर्मन शेफर्ड बिल्कुल राइट चॉइस है बिकॉज ये आपकी फैमिली के साथ भी अच्छा रहेगा ना ज़्यादा एग्रेसिव है ना ही ज़्यादा दोस्तों बिल्कुल ही ऐसा भी नहीं है कि ये किसी को पे हमला नहीं करेगा मतलब आपकी फैमिली को ये जरूर गार्ड करेगा तो बचपन से ही अगर आप इसको दूसरे डॉग्स के साथ या फिर आप दोस्तों बच्चों के साथ खेलता रखेंगे तो ये जर्मन सेफर्ड एक बहुत अच्छा डॉग हो सकता है जो पहली बार पालना चाहते हैं वो भी तो दोस्तों अगर आप अच्छा डॉग चाहते हैं और इतनी अच्छी क्वालिटी के पपी अभी कितने पपी अवेलेबल हैं सेवन पपी हैं तो मेल तीन है और चार फीमेल है शायद तो फटाफट जो पहले आएगा उसको पहले वो चीज़ मिल जाएगी ठीक है चलिए एक और पपी अब फीमेल उठा दें अब दोस्तों फीमेल देख सकते हैं आप देखिए ये फ़ीमेल है फीमेल हमेशा दोस्तों थोड़ी सी वैसे छोटी लगेगी ठीक है बचपन में बिकॉज जो है फीमेल थोड़ा सा इसका हेवीपन कम लगेगा लेकिन बड़े होने के बाद ये और हेवी हो जाएगी मेल से भी बिकॉज़ इसको जो है वो गर्भ धारण करना होता है बच्चे निकालने होते हैं उसके बाद ये थोड़ी सी हेवी हो जाती है ये पेरेंट स्ट्रोक बच्चे हैं मतलब कि पहली बार इसकी ने बच्चे दिए हैं चौदह महीने की उसकी एज है और ऐसी एक चौदह महीने की फीमेल भी सेल के लिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों क्वालिटी आप देख सकते हैं यहाँ पाँव से क्वालिटी पता की जाती है इनके पाँव जो है दूसरे डॉग से थोड़े मुड़े हुए होते हैं ठीक है चलिए दोस्तों तो हम आगे चलते हैं और पपीज हर एक को नजदीक से दिखाते दे। देखिए कितना खूबसूरत है ये ये देखिए तो ये आपको अच्छे से वीडियो दिखा सके इसीलिए हसमुख भाई ने बोला अज्जू भाई भले जो है आपका जो चार्ज होता है वो ले लीजिए लेकिन आप मेरे घर पे जाकर पपीज का वीडियो बनाइए देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारे क्यूट से पपीज है तो बहुत मज़ा आ गया दोस्तों आ, देख इनको चलिए अब एक फीमेल भी है वो भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए ठीक है और कोट देखिए इनका ठीक है और बाकी दोस्तों जर्मन सेफ़र डॉग ऐसा है कि ये मीडियम टू लार्ज साइज डॉग है ठीक है लेकिन इसका ग्रूमिंग वगैरह इतना खर्चा नहीं आता हाँ लॉन्ग कोट में थोड़ा सा आपको ग्रूमिंग का ख्याल रखना होता है बट जर्मन सेफ़र जनरली इतना ग्रूमिंग नहीं करना पड़ता है जैसे कि टॉय टोईब्रिड में करना पड़ता है चलिए दोस्तों अब बारी आ चुकी है आप इन पपीज की मधर को अच्छे से देख लीजिए ताकि पता चले कि ये जो पपीज देखे आपने वो प्योर क्वालिटी के तो हैं पर अगर आप कहीं और लेने जाएंगे तो प्योर क्वालिटी के पपीज आप पहचान हो सके क्योंकि ये प्योर क्वालिटी के पपीज हैं इसकी पहचान होती है कि दोनों के रजिस्टर्ड है मतलब केसीआई के मापदंड से इसके मां बाप रजिस्टर्ड है और इनके जो फादर हैं वो तो चैंपियन जो हरियाणा का चैंपियन डॉग है उसका बेटा है मतलब ये चैंपियन डॉग के पोते हैं अब ये फीमेल भी लॉन्ग कोट में है दोस्तों लेकिन ठंड की वजह से और इसके बाल झड़ने की वजह से थोड़े बाल कम हुए हैं अब देखिए जर्मन सेफर्ड में प्योरिटी कहां से पता चलती है बड़े डॉग्स में मैं कहूंगा दोस्तों अगर पपीज हैं तो पपीज में आपको कान इसके खड़े नहीं होंगे लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी इनके कान खड़े होते जाएंगे इनकी पीछे की टांग हमेशा दोस्तों मुड़ी हुई होगी ठीक है जो बाकी डॉग्स में आपको जनरली देखने को नहीं मिलते सियार की तरह इनका हल्का सा स्लोप देखने को मिलेगा आपको जहां पर सियार की तरह इनको आपको बाल भी देखने को मिलेंगे तो ये सारी पहचान है जो प्योर ब्रीड को नकली ब्रीड से अलग करती है तो प्योर ब्रीड के बच्चे मेरे हिसाब से आपको नहीं मिलेंगे फटाफट से दोस्तों आप लोग कॉन्टेक्ट करिए जीतू भाई को जीतू भाई के नंबर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं फिर से एक बार नंबर ले लीजिए जीतू भाई के सेवन नाइन एट फोर सेवन फाइव टू एट डबल सिक्स जीतू भाई इनका नाम है अभी जीतू भाई इन डॉग्स की देखभाल कर रहे हैं अब दोस्तों एक और मैं फीमेल आप लोगों को दिखा रहा हूं जो रेडी टू ब्रीड होने में दो महीने बाकी है बारह महीने की इसकी एज है और यह भी प्योर क्वालिटी में है दोस्तों लेकिन इसका केसीआर रजिस्ट्रेशन पेपर नहीं है तो अगर विदाउट केसीआर रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको तो आप ये ले सकते हैं इसकी भी क्वालिटी आप प्योरिटी की देख सकते हैं ठीक है कि किस तरीके से है और ये ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज में फीमेल है और बहुत फ्रेंडली है फ्रेंडली डॉग कब होता है जब उसकी देखभाल अच्छे से की गई हो उसको कल्चर दिया गया हो देखिए ये दूसरे पप्पीज जो है दूसरी माँ के पप्पीज मोसी की तरह इसके साथ खेल रहे हैं तो दोस्तों ये भी ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज इसका प्राइस है अगर आप खरीदना चाहते हैं और सीधा ब्रीड में डालना चाहते हैं तो दो महीने के बाद ये रेडी हो जाएगी अराउंड फोर्टीन मंथ में जो है डॉग एडल्ट होकर ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं तो दोस्तों कैसा लगा आज का एपिसोड जरूर बताइएगा और ये पेरेंट स्ट्रोक पपीज को दोस्तों आप लोग ले लीजिए मेरे हिसाब से ऐसे पपीज आपको मिलना बड़ा ही मुश्किल है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूं एपिसोड पसंद आया होगा पसंद आया चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर करिए और क्या ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 788041417 पर